जी नमस्कार, मैं राजन राय, सच की रफ्तार और जनता विचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल एक महारैली निकलने जा रही है और झाड़ू सेना के अध्यक्ष हमारे साथ है, कार्यकर्ता हमारे साथ बैठे हैं। उस महारैली का क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है? 500 से 1000 तकरीबन कल नवयुवक अपनी अपनी बाइक लेकर आ रहे हैं और क्या लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, किन मुद्दों की लड़ाई है, इन्हीं सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे सुनील जावल जी से। श्रीमान जी नमस्कार। नमस्कार। मैं बहुत देर से बैठा था, आपकी पूरी मीटिंग सुन रहा था, पूरी रणनीति सुन रहा था, पूरी रूपरेखा मैंने सुनी। 500 से 1000 कार्यकर्ता आ रहे हैं, इतने कार्यकर्ता निस्वार्थ आ रहे हैं, पहले तो ये बताइए। मैं सबसे पहले तो आपका सच की रफ्तार और जनता विचार न्यूज जो समय समय पर कर्मचारियों की बात उठाती है, मीडिया में दिखाती है, उसका धन्यवाद करता हूँ। और जो आपने क्वेश्चन कराए कि बिना स्वाद तो आ ही रहे हैं, 15 साल हो गए हमारे को निगम के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ना तो रेगुलेशन हो पा रहा, ना ही हमारी सैलरी टाइम पर दे पा रहे लोग। इसका रोष प्रकट करने के लिए हमने महारैली का आयोजन किया है। ये जब नेता कर सकते हैं, अभिनेता रैलियां कर सकते हैं, तो मजदूर वर्ग क्यों रैली क्यों नहीं कर सकता? इसलिए हमने आह्वान किया है ये रैली का। 25 अगस्त को कल हमारी रैली है, राजघाट से चलकर हम सिविल सेंटर गेट नंबर 5 पर इकट्ठे होंगे और अपना रोष प्रकट करेंगे सारे मजदूर। अच्छा, इस रैली में आपके पार्टी के कार्यकर्ता आ रहे हैं, कुछ ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो सरकार से परेशान है, अपने मुद्दों को लेकर आ रहे हैं? बिल्कुल, सभी जो तमाम लोग जो सरकार से परेशान है, मोस्टली तो वैसे कर्मचारी वर्ग आ रहा है, लेकिन कोचीज हमने सभी को मैसेज करा है, जो भी अपनी बात रखना चाहे वहाँ आके रख सकता है, खुला दरबार है। मजदूरों के साथ जो खड़ा होगा हम उसके साथ भी हम भी खड़े होंगे। अगर मजदूरों का दर्द वो देखेंगे तो जनता का दर्द भी हम देखने तैयार है। अच्छा, आपको लगता है अगर प्रशासन ने आपको इजाजत नहीं दी थी रैलियों की, अगर कोई अड़चन आई तो ये रैली निकलेगी तब भी? यार मैं बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं अभी हाल ही में जिसका दिल करता पार्टी का अपने प्रदर्शन करती है, परमिशन हो या ना हो, रैली अभी करती है, परमिशन हो ना हो, तो मजदूर वर्ग जो अपने अधिकार मांग रहा है उसे परमिशन के लिए जूत नहीं है ना, वो लेगा परमिशन, और परमिशन ने ले लिया। आपने देख सकते हैं 14 साल हो गया हमें परमिशन मानते मानते इनकी, ये पक्का ही नहीं कर पाए, तो हमें अब जो दिन की परमिशन होगी। तो आप जो कल हलचल करने जा रहे हैं, आपको लगता है कि दिल्ली सरकार आपकी हलचल का साथ देगी और आपके जिन मुद्दों की लड़ाई आपके साथ आएगी आगे? मैं बताना चाहूँगा, हमें दिल्ली सरकार हमारा साथ अगर देने वाली होती तो आज हम पक्के हुए बैठे हुए होते। 15 साल हो गए दिल्ली सरकार को भी, अभी 10वां साल उनका भी चल रहा है, दूसरा टर्न है। अगर हमारे आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी अगर वाकई मजदूरों को देखते तो आज इतना हालत ख़राब नहीं होती। हम झाड़ू का चुनाव चिन्ह वो लेके आए, हमारा हमने सोचा था हमारा हिमायती है, लेकिन हमें नहीं लगता हमारा हिमायती अरविंद केजरीवाल जी, क्योंकि 1-1 करोड़ रुपये सभी को घरों पर जाके दिए हैं अरविंद केजरीवाल जी ने। MCD कर्मचारी क्यों नहीं दिए, उनसे क्या नाराजगी है, जबकि हमारा चुनाव चिन्ह झाड़ू लेके आए हैं वो। इसीलिए अब झाड़ू सेना ने बीड़ा उठाया है, अपनी झाड़ू हमारे हाथ में होनी चाहिए। अब हम किसी और को नहीं देंगे और आने वाली 7 तारीख को अनशन पे ही बैठने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। ऐसा कुछ नहीं है, झाड़ू सेना बिल्कुल बजा चुकी है अपना, ये झाड़ू जिसकी थी उसी के पास रहेगी, जो यूज़ करना था लोग कर चुके, अब यूज़ नहीं होंगे। अच्छा, ये ऐसा तो नहीं कि जो MCD के चुनाव है 2022 में दिल्ली में, कि आपकी पार्टी भी चुनाव लड़े इस बार? मैं बताना चाहूँगा, अगर कर्मचारियों को हनन नहीं रोका गया तो झाड़ू सेना जरूर चुनाव लड़ेगी। अगर आपका समझौता हुआ तो क्या हो सकता है कि आप हाथ मिलाए? देखो, समझौते की बात तो बात ही नहीं है, पहले तो उन्हें आगे 1-1 करोड़ रुपए जो सभी को दिए देंगे हैं उनको देने पड़ेंगे, क्योंकि उनका अधिकार है, या तो घोषणा नहीं करते दिल्ली सरकार। अब आप देख सकते हैं जरा जरा से मुद्दे लेके हड़ताल प्रदर्शन कर देते तो क्या इनको निधिकरण की पार्टी वालों को 1 करोड़ के लिए कौन सा विधायक आवाज उठा रहा है, कौन सा निगम पार्षद उठा रहा है? कोई आवाज नहीं उठा रहा, मजदूरों की आवाज कोई नहीं उठा रहा। आएगा तो मजदूर आएगा, अगर हम निगम में हम तैयारी कर रहे हैं मजदूर वर्ग को उतारेंगे इलेक्शन के अंदर भी, मजदूर अपने अधिकार पार्टी आके खुद चुनाव लड़ेंगे मजदूर और अपने अधिकार खुद लेंगे। अच्छा, जो आपकी बाइक रैली है कल जी, आपका उद्देश्य ये कि सरकार जागे और आपकी मांगों को सुने? देखो, 15 साल हो गए जगाते हुए, ये कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, 6 महीने जागते हैं, 6 महीने सोते हैं, अब 6 महीने रह गए इनके राजनीति के, अब ये खत्म हो चुके हैं, डिजोल्व हो चुके, होने वाली है। अब वो कुंभकर्ण की नींद से जाग के आज इन्हें ध्यान आ रहा है कि आज हमें कर्मचारियों ने कोई काम करना है और अपने विषय ले लेके आ रहे हैं। 50-50 लाख रुपए का अपना पास करा चुके हैं ये, कि हम 6 महीने पहले, इन्होंने पूरे साल तो कुछ कराया नहीं। तो आपको लगता है कुंभकर्ण की नींद कल टूटेगी?
जरूर टूटेगी, कुंभकर्ण की नींद जरूर टूटेगी कल। अच्छा, ज्यादा समय आपसे नहीं लेंगे, देख रहा हूँ कि पूरी टीम आपके साथ है और नवयुवक और नौजवान लड़के आपके साथ ज्यादातर है इस टीम में, मुझे ऐसा लगता है जी। कल बाइक रैली के मैं देखिए दर्शकों, मैं कल बाइक रैली पूरी कवरेज करूंगा शुरू से और एंड तक। ये जो आपने आगाज किया है और इसके अंजाम तक, क्या कहना चाहते हैं दिल्ली सरकार से? मैं दिल्ली सरकार से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि समय है, उसमें आ जाइए। जो आप मीच करके आप बैठे हुए ना, जो आप लोग कह रहे हैं हम निगम में आएंगे, ये झाड़ू सेना बताएगी आप कैसे निगम में आ गए। अभी झाड़ू सेना ने अपना बीड़ा उठा लिया, ये गलत फहमी दूर कर दो अपनी कि निगम में झाड़ू सेना आ चुकी है आपकी, और आम आदमी पार्टी आएगी बहुमत से कोई नहीं आएगा। कर्मचारी वर्ग अपनी झाड़ू लेके खुद हाथों में आ रहा है जी। तो ये थे सुनील जावा जी, अब उनके समर्थक जो उनकी टीम है, सुनील जावा जी, संजीव जावा जी थे हमारे साथ थे। अब उनकी जो टीम है उनसे पूछते कि वो जो साथ दे रहे हैं, उस साथ देने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि हमारे भारतवर्ष में दुर्भाग्य की बात ये है कि अधिकतर जो समर्थक होते हैं 500 या बोतल या 1000 या 100-200 रुपए के चक्कर में आकर आते हैं, ये पूरा भारतवर्ष जानता है। लेकिन ऐसा यहाँ तो नहीं है, यहाँ क्या उद्देश्य है, क्यों साथ दिया जा रहा है, किन मुद्दों पर लड़ाई की जाएगी, इनकी टीम से भी बात करेंगे। आइए, श्रीमान जी, मैं देख रहा हूँ कि आपके चेहरे पर एक उदासी भी है और एक जोश भी है और आपकी आंखों में आक्रोश है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजय भगवाना है और मैं झाड़ू सेना से जुड़ा हुआ हूँ। भाई संजीव जावा जो हमारे जो अध्यक्ष साहब हैं, और मैं इस झाड़ू सेना से क्या कहते महामंत्री की पोस्ट पर हूँ दिल्ली प्रदेश की। अभी आपने कहा कि झाड़ू सेना से आप जुड़े हुए, आप झाड़ू सेना से ही क्यों जुड़े? भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते, कांग्रेस से जुड़ते, आम आदमी से जुड़ते, ये तो बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बनती जा रही है, इससे जुड़ने की क्या वजह है? इससे जुड़ने की एक ये वजह है कि हमारे दादा परदादा पिताजी हमारे जो इन चीज़ों को इन लोगों को देते रहे, इन लोगों ने हमें क्या दिया, और अब हम चाहते हैं कि हमारी अपनी समाज की पार्टी होनी चाहिए कि जब कल को हम दुनिया छोड़ के जाएँ तो हमारे बच्चों के हाथ में उनकी अपनी खुद की सत्ता हो, किसी दूसरे की सत्ता के आगे वो रोटी मांगते हुए खड़े ना दिखाई दे। तो आप मानते हैं कहीं ना कहीं तानाशाही हो रही है हमारे भारत? तानाशाही शुरू से होती आ रही है, और खासकर जो नीम वर्ग के जो लोग हैं उनों के साथ तो सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा, ये जो आपकी कल बाइक रैली है, इसमें जाहिर सी बात है कि हर आदमी अपनी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ मैनेजमेंट करके चल रहा होगा, कुछ लोगों को लेकर आ रहा है, क्या कुछ आप अपनी तरफ से कल कुछ लड़के लेकर आ रहे हैं? जी, मैं अपनी तरफ से अपने कुछ कर्मचारी भाई, कुछ अपने क्षेत्र के कुछ जो हमारे साथी हैं उन सबको लेके आऊँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सके मैं लोगों को जोड़ने की कोशिश करूँगा, जो कि इस अंधी भैरी गूंगी सरकार को आज झजोड़ने की ज़रूरत है। और जब तक इस जहरीले सांप को हम अगर नहीं हिलाएंगे, तब तक ही हमारे इसी तरह हमारे बच्चों का आने वाला भविष्य खाते रहेंगे। देखिए श्रीमान जी और बैठे, श्रीमान जी आपका नाम? चौधरी रंजीत सिंह टाउन। सर, मैं देख रहा हूँ कि एक स्टीकर भी बनाए हुए हैं, झाड़ू सेना का एक स्टीकर है, मैं स्टीकर से कहना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा। देखिए, पूरी कानून का पालन हो रहा है, कोई उल्लंघन नहीं है। इस पर लिखा हुआ, शिक्षित बनो, संघर्ष रहो, संगठित रहो, झाड़ू सेना व्हीकल नंबर और वैलिड नंबर, ये बहुत अच्छी बात है, आप किसी चीज़ का उल्लंघन नहीं हो रहा। लेकिन क्यों बाइक रैली निकाली जाएगी फिर भी? ऐसा एक बाइक रैली का मतलब ये, वैसे जाते थे, वैसे बैठ जाते थे, बाइक रैली निकालते थे, तो ये बाइक रैली का मतलब है हमारा बहुत बड़ा आक्रोश, मजदूरों का बहुत बड़ा आक्रोश है कि हम बाइक लेके चल रहे हैं, कि मतलब ये लोगों को देखना पड़ेगा, जितनी भी सरकार है जिन्होंने हमारे साथ कुछ करा नहीं अभी तक, 15 साल हो गए बीजेपी को, पहले हमें कांग्रेस ने इस्तेमाल करा, उसके बाद हमें आम आदमी पार्टी ने इस्तेमाल करा, अब हमें बीजेपी भी इस्तेमाल कर रही है, तो हम इन सबको हटाते हुए, ये मजदूरों की संगठन है, मजदूरों की पार्टी है, और आने वाले समय में हम अपनी झाड़ू खुद चलाएंगे जी। एक श्रीमान जी और बैठे, श्रीमान जी, मैं अभी आपकी बातें सुन रहा था कि कल आप छुट्टी भी कर रहे हैं, कल आप छुट्टी भी मतलब करके आएंगे, क्यों, क्या वजह है मतलब छुट्टी करके आप आ रहे हैं और इस पार्टी में जुड़ रहे हैं, इसका साथ दे रहे हैं? कल मैंने देखा कि अभी आपने स्टिकर लिया, 8-10 स्टिकर भी आपने लिए, आपने कहा कि कुछ लोग हमारी तरफ से और भी आएंगे, क्यों, वजह क्या है? वजह ये है, पक्के नहीं करेंगे आप, पक्के नहीं करेंगे, तो लगता है कि झाड़ू सेना साथ देगी ऐसे लोगों का? बिल्कुल सही है, ये जो आक्रोश रैली है कल देगी साथ, यही मकसद लगभग। देखिए मास्क की कोई जरूरत नहीं, हम दो अच्छा कल
कल एक महा बाइक रैली निकाली जा रही है, राजघाट से सिविक सेंटर तक जाएगी, 500 से लेके 1000, मुझे ऐसा अनुमान है कि इतनी बड़ी महा रैली, बाइक रैली, बाइक की अभी तक दिल्ली में नहीं निकली मुझे जो लगता है। जब रोड से निकलेगी तो मुझे लगता है कि बहुत लंबा रोड जाम हो जाएगा, तो बहुत लंबा, ऐसा कोई जाम नहीं होगा, कानून का पालन होगा। कल हम देखेंगे कि कानून की धज्जियां तो उड़ाई नहीं जाती, जो अपनी बात रखी जाएगी वो कानून के तहत रखी जाएगी। लोकतंत्र से हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। तो कल आप मेरे साथ यूं ही लगातार बने रहिएगा, लाइव हम चलेंगे और देखेंगे कि क्या आक्रोश है और क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है। मैं राजन राही, जनता विचार, धन्यवाद।